नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 28 मार्च। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बिहार को मिली राशि। बिहार में कोरोना के संक्रमण को देख 30 अप्रैल तक नियमों का करना होगा पालन। छात्रों के नामांकन मामले में बिहार के सरकारी विद्यालयों ने स्थापित किया कीर्तिमान। बिहार बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा का शेड्यूल हुआ जारी। तो चले बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर। होलिका दहन के साथ होली के त्यौहार की आज से हुई शुरुआत। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तारीख के तहत होलिका दहन का आयोजन आज होने वाला है। जानकारों की माने तो आज होने वाले इस होलिका दहन में हस्त नक्षत्र के शुभ संयोग में ये किया जा रहा है। शास्त्रों में भद्रा के समय होलिका दहन को शुभ नहीं माना जाता, इसलिए भद्रकाल के समाप्त होने के बाद होलिका दहन किया जाएगा। आपको बता दें, होलिका में आग लगाने से पूर्व होली का पूजन करने का विधान है। होलिका की पूजन करने वाले व्यक्ति को पूजा करते वक्त पूर्व या उत्तर की ओर मुख कर बैठना चाहिए। बिहार में कोरोना के संक्रमण को देख 30 अप्रैल तक नियमों का करना होगा पालन। बिहार में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 4 से 10 मार्च के बीच सूबे में एक तरफ एक्टिव मरीजों की संख्या जहां 241 थी, वहीं 19 से 26 मार्च के बीच यह 1000 के आंकड़े को पार कर चुकी है, जिसके बाद ही अब सरकार ने एहतियाती कदम उठाने की नसीहत दे दी है। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइन का पालन 30 अप्रैल तक करने को लेकर सलाह दी गई है। कोरोना टेस्ट से लेकर कंटेनमेंट जोन तक के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। मास्क चेकिंग अभियान भी तेज किया जाएगा। स्थिति के आधार पर स्थानीय लेवल पर कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला लिया जाएगा। छात्रों के नामांकन मामले में बिहार के सरकारी विद्यालयों ने स्थापित किया कीर्तिमान। कोरोना के माहौल के बीच शुरू हुए स्कूल में छात्रों की पढ़ाई एक बड़ी परेशानी बनकर सामने आई है। वहीं छात्रों के नामांकन को लेकर भी बिहार सरकार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसी क्रम में बिहार सरकार की तरफ से छात्रों के एडमिशन को लेकर प्रवेशोत्सव का आयोजन भी करवाया गया था, जिसके कारण ही नीतीश सरकार द्वारा शत प्रतिशत बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने का प्रयास रंग ला रहा है। सभी 80,000 सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 9 तक में 32,08,503 विद्यार्थियों का दाखिला हुआ है, जिसका लक्ष्य महज 18 दिनों में हासिल किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बिहार को मिली राशि। कोरोना को लेकर राज्य समेत पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, वहीं इस दौरान बिहार में ईज ऑफ डूइंग के तहत राज्यवासियों को बेहतर बाधा रहित माहौल में सरकारी सेवा मुहैया करवाने के लिए केंद्र ने बिहार को विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया है। यह राशि खाद्य विभाग के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड, औद्योगिक क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग पावर सेक्टर रिफॉर्म और अर्बन लोकल यूटिलिटी रिफॉर्म की दिशा में उठाए गए विशेष कदमों के लिए दी गई है। जानकारों का मानना है कि केंद्र सरकार ने यह राशि बिहार को विशेष पैकेज के तहत दी है। की जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र ने राज्य के द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की 2% यानी कि 6,528 करोड़ रुपए स्वीकृति दिए हैं। इस राशि को राज्य सरकार अपने लोगों की बढ़ोतरी या फिर सरकारी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए किसी तरह खर्च कर सकेगी। बिहार में अब सरकारी कर्मियों को देना होगा अपने संपत्ति का ब्यौरा। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से हाल ही में जारी की गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने सभी सरकारी लोक सेवकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि इस दौरान सभी सरकारी कर्मचारियों को इन 4 बातों का खास ध्यान रखना होगा, जिसके तहत अब संपत्ति का ब्यौरा जारी करने वाले पदाधिकारी को अपने या अर्जित या फिर विरासत या परिवार के किसी सदस्य के नाम से जारी संपत्ति, परिवार के किसी सदस्य या अपने नाम पर मौजूद शेयर, डिबेंचर, निषेध पत्र समेत बैंक में जमा रुपए, विरासत या स्वयं अर्जित की हुई संपत्ति, अगर संबंधित पदाधिकारी या कर्मी पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई कर्ज है तो उसकी जानकारी भी बतानी होगी। बिहार बोर्ड के 12वीं के छात्र अब इस तारीख से करें स्क्रूटनी के लिए आवेदन। बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने हाल ही में अपना रिजल्ट जारी किया है, जिसके बाद रिजल्ट को देखकर जहां एक तरफ छात्र काफी ज्यादा उत्साहित है तो दूसरी तरफ अपने रिजल्ट से असंतोष छात्र, रिजल्ट के बाद अब स्क्रूटनी की तारीख भी जारी कर दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप ही जो भी छात्र एक या अधिक विषय में प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं है वो स्क्रूटनी के लिए 1 अप्रैल से आवेदन कर सकते हैं। हालांकि छात्र इस बात का ध्यान रखें कि स्क्रूटनी के लिए उनके पास केवल 7 अप्रैल तक का ही मौका है, जिसके बाद अब ऐसे छात्र जो अपनी कॉपी की स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं वो बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। बिहार में मौसम रहेगा शुष्क। होली में इस बार मौसम शुष्क रहने वाला है। हालांकि पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिला है, मगर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बिहार में मौसम शुष्क ही रहने वाला है। मौसम वैज्ञानिक सुधांशु कुमार की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार विगत 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई भागों में धूल भरी हवा का प्रवाह देखा गया है। हालांकि आज से प्रदेश में पूर्वा हवा का प्रवाह देखा जा सकता है। पश्चिमी बंगाल में चक्रवाती परिसंचरण का प्रभाव एवं बंगाल की खाड़ी से नमी उठाव का आगमन दक्षिण पूर्व बिहार में देखी जा सकती है। परिणाम स्वरूप होलिका दहन के दिन 28 मार्च को दक्षिण पूर्व बिहार के 1-2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी और शेष बचे भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है।
पंचायतों में सुरक्षा के लिए लगाई जाएंगी अब तीसरी आंख। बिहार में शहरों की तर्ज पर गांव में भी सुरक्षा को सख्त बनाने की तैयारी चल रही है। साथ ही गांव में भी खेल खेल के मैदान और पार्क को विकसित किए जाने की तैयारी शुरू हो रही है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने अपना निर्णय जारी कर दिया है, जिससे कि अब बिहार के 8300 पंचायतों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बाबत खुद जानकारी दी और बताया है कि विभाग ने 15वें वित्त आयोग की राशि के खर्च के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बिहार बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा का शेड्यूल हुआ जारी। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल सप्लीमेंट्री परीक्षा 2021 की तारीख की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा 29 अप्रैल से 10 मई तक आयोजित करवाई जाएगी। इसके साथ ही इस परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 5 अप्रैल 2021 से शुरू हो रही है। ऐसे में जो कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो 5 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। बीएससी भी 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए छात्र अपने संबंधित स्कूल में जाकर संपर्क कर सकते हैं। आवेदन करने पर उन्हें अपेक्षित शुल्क भी जमा करना होगा, जिसके बाद मई 2021 में कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की योजना बनाई जा रही है। पूर्वी चंपारण की बेटी केशर राज ने तलवारबाजी में सभी को चौंकाया। बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के मोतिहारी निवासी कक्षा 6 की छात्रा केशर राज ने 22वीं सब जूनियर नेशनल फेंसिंग तलवारबाजी चैंपियनशिप 2021 में अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाकर सभी को चौंकाने का काम किया है। ओडिशा के कटक स्थित जवाहरलाल नेहरू में 24 से 26 मार्च तक हुई इस प्रतियोगिता में पूर्वी चंपारण से प्रतिभागी करने वाली इकलौती लड़की है। सूरज कुमार और कुमारी रानी की बेटी केशर ने तलवारबाजी के फॉइल इवेंट के पहले राउंड में जम्मू कश्मीर की शुभमन्या को हराया। दूसरे राउंड में राजस्थान के खिलाड़ी को 5-0 से मात दी थी। होली के दिन सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित होने पर लगी रोक। आज होलिका दहन के बाद कल धूमधाम से होली का त्यौहार मनाया जाएगा। हालांकि होली से पहले ही बिहारवासियों के लिए अहम दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत डीजीपी एसके सिंगल और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने संयुक्त आदेश जारी किया है, जिसके तहत बीते दिन आपदा प्रबंधन समूह की बैठक का आयोजन करवाया गया था, जिसमें यह साफ कहा गया था कि होली की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले होलिका दहन के अवसर पर न्यूनतम संख्या में व्यक्ति एकत्रित होंगे। उस वक्त कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। होली के दिन सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होकर किसी भी प्रकार की गतिविधि आयोजन की अनुमति नहीं होगी। गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि शबे बारात में भी कम से कम व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होंगे। होली को लेकर गली मोहल्लों में बाइक सवार पुलिस करेगी गश्ती। होली को लेकर बाइक सवार पुलिस गली मोहल्लों की गश्ती करेगी। इसके लिए एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने सभी थानाध्यक्षों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके साथ ही अपने अपने क्षेत्र पर निगरानी रखने और शराब तस्करों को पकड़ने को भी कहा है। हुड़दंग करने वालों को जेल भेजने की तैयारी में पुलिस प्रशासन है। पूरे पटना जिला में सुरक्षा को लेकर बीएमपी के जवानों की भी तैनाती की जाएगी। इसके लिए पटना पुलिस के अलावा बीएमपी की 13 कंपनियों की जगह जगह पर ड्यूटी लगाई जाएगी। मध्य रेलवे ने परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का लिया फैसला। प्रतियोगी परीक्षा के दौरान छात्रों को आवाजाही में कोई परेशानी ना हो, इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा। खासकर कि आने वाले दिनों में पूर्व मध्य रेल की तरफ से आयोजित रेल भर्ती बोर्ड द्वारा संचालित नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोरोना के कारण गिने चुने ट्रेनों का परिचालन ही करवाया जा रहा था। ऐसे में रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को सेंटर तक पहुंचने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि ट्रेन परिचालन नहीं होने के कारण कुछ लोगों को मालगाड़ी में बैठकर सेंटर तक सफर करना पड़ा था, जिसके कारण रेलवे की काफी आलोचना हुई थी। बिहार में इथेनॉल आधारित उद्योग की स्थापना में अभी लगेंगे 1.5 साल। बिहार में इथेनॉल यूनिट लगाए जाने में बिहार सरकार अपनी दिलचस्पी दिखा रही है। हालांकि अब बिहार में इस यूनिट को स्थापित करने के लिए नई इकाई शुरू होने में कम से कम 1.5 साल का समय लगने वाला है। जानकारों की माने तो अगर निवेशकों ने बिहार में इथेनॉल यूनिट को स्थापित करने में दिलचस्पी दिखाई तो 1 से 1.5 साल में सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने में सफल हो जाएगी। हालांकि इथेनॉल की नई उत्पादन इकाई के लिए बियाडा से जमीन की उपलब्धता और अन्य किस्म के लाइसेंस के अतिरिक्त पर्यावरण क्लियरेंस के लिए संबंधित इलाके के लोगों के बीच सुनवाई होगी, जिसके बाद रिपोर्ट आने के पश्चात ही इथेनॉल इकाई के लिए भवन निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होगी। मखाने की खेती के लिए सरकार किसानों को देगी आधा खर्च। बिहार के सुपौल जिले में मखाने की खेती को बढ़ावा देने को लेकर काम शुरू किया जा रहा है। उद्यान निदेशालय पटना के निर्देश पर मखाना क्षेत्र विस्तार योजना के तहत जिले में साल 2020-21 के लिए 100 एकड़ हेक्टेयर में मखाने की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन खेती पर किसानों को सरकार की तरफ से अनुदान भी दिया जाएगा। इस बाबत विभाग ने अपना आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत विभाग का मानना है कि मखाना खेती पर लगभग 27,200 की लागत प्रति हेक्टेयर आती है, जिस पर सरकार की तरफ से 50% और 13,600 अनुदान की राशि दी जाएगी।
बिहार में अब अपराधियों की जब्त की जाएगी संपत्ति। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से अब अपराधियों पर अलग तरीके से नकेल कसने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत अब अपराधियों की तरफ से अर्जित अवैध संपत्ति की जब्ती के लिए पुलिस विभाग की आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से कार्रवाई तेज कर चुकी है। इस बाबत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 के तहत ईओयू की तरफ से कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है। आंकड़ों के अलावा अब तक लगभग 170 अपराधियों की अपराध से कमाई अवैध संपत्ति को जब्त करने के लिए ईडी को भेज दिया गया है। इन अपराधियों के अवैध रूप से अर्जित 299 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार की कही बात। दरभंगा वासियों के लिए खुशखबरी। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मिथिला के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले दरभंगा एयरपोर्ट की खूब तारीफ की, जिसके तहत उन्होंने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट मिथिलांचल में हमारे बहनों भाइयों के लिए वरदान साबित हुआ है, जहां से सहरसा, सीतामढ़ी, मोतिहारी समेत 17 जिलों के लोगों को लाभ पहुंचा है। इसके साथ ही उन्होंने एयरपोर्ट के विस्तार की बात कही। इसके तहत उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जानी है। दरभंगा हवाई अड्डे में पहले विमान को पार्क करने के लिए कोई जगह नहीं थी। आखिरकार सुविधाएं बढ़ रही हैं और एक बार टर्मिनल बनाकर और अधिक भूमि प्राप्त करके हम समस्याओं को हल कर सकेंगे। बंगाल चुनाव में बिहार आर्म्ड पुलिस की 12 कंपनियों ने संभाला मोर्चा। बंगाल चुनाव का शुभारंभ हो चुका है। वही चुनाव में बिहार पुलिस को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कमांडेंट रैंक के अधिकारी इस फोर्स का नेतृत्व कर रहे हैं। पुलिस के साथ साथ बिहार में तैनात अर्धसैनिक बल की 2 कंपनियों को भी बंगाल में भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन आयोजित करवाए गए पहले चरण के चुनाव में विशेष सशस्त्र पुलिस के अलावा बिहार में प्रतिनियुक्त अर्धसैनिक बल की 2 कंपनियां भेजी गई थी। इनमें से एक कंपनी रैफ की बताई जाती है। बिहार से अर्धसैनिक बल की कुछ कंपनियां पूर्व में जम्मू कश्मीर गई थी, उनमें से 4 कंपनियां पश्चिम बंगाल गई है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से मानी जाती है। अकबर ने मालवा की राजधानी सारंगपुर पर 1561 में हमला कर बाज बहादुर को हरा दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1941 में नजरबंदी से बचकर बर्लिन आज ही के दिन पहुंचे थे। मोरारजी देसाई ने 1977 में भारत में सरकार आज ही के दिन बनाई थी। सन 2013 में इंटरनेट पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला आज ही के दिन हुआ था। साइना नेहवाल 2015 में दुनिया की नंबर 1 महिला बैडमिंटन खिलाड़ी आज ही के दिन बनी थी। भारतीय अभिनेत्री सोनिया अग्रवाल का 1982 में जन्म आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन को राष्ट्रीय नौवहन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सन 1552 में सिखों के दूसरे गुरु का गुरु अंगद देव ने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। विधानसभा में मारपीट की घटना को लेकर भाजपा सांसद ने की बड़ी निंदा। विधानसभा में विधायकों और पुलिस के बीच में हुए मारपीट को लेकर अब तक बयानबाजी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में बीते दिन भाजपा सांसद छेदी पासवान ने कड़ी आलोचना की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है वो काफी निंदनीय है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कभी भी नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने इस बाबत कहा कि लोकतंत्र में इस तरह के घटनाक्रम का कोई स्थान नहीं है। बड़े से बड़े समस्याओं का समाधान बातचीत से निकाला जा सकता है, इसी के लिए ही सदन बनाए गए हैं। लोगों के विचारों में मतभेद होना आम बात है, लेकिन जिस तरह से हंगामे का माहौल बनाया गया है इसकी निंदा होनी चाहिए। तेजस्वी की जनसभा में उमड़ा जनसैलाब। राजद नेता तेजस्वी यादव इन दिनों अपने असम दौरे पर है, जहां उन्होंने बीते दिन जनसभा का आयोजन करवाया था, जिसके तहत उन्होंने रातावाड़ी विधानसभा क्षेत्र से महाजोत के कांग्रेस प्रत्याशी शंभू सिंह मल्लाह के समर्थन में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान तेजस्वी यादव को देखने के लिए लोगों का हुजूम भी मिला। वहीं इस दौरान तेजस्वी यादव ने भी जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही गठबंधन की जीत तय है, उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की। इसके साथ ही उन्होंने लोगों का संबोधन करते हुए भोजपुरी में भी बात की और कहा कि भाजपा का मतलब बड़का झूठा पार्टी करार कर दिया है। केआरके ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कसा तंज। कमाल राशिद खान अक्सर अपने विवादित बयान के लिए ही जाने जाते हैं। आए दिन उनके बयान के कारण कोई न कोई बवाल शुरू जरूर हो जाता है। इसी क्रम में हाल ही में केआरके ने ट्वीट जारी करते हुए लिखा कि एक तरफ भाजपा के नेता बंगालियों को दिन भर गालियां देते हैं, कहते हैं कि बंगाली असम और बंगाल में घुसकर बैठे हुए हैं, भाजपा सत्ता में आने के बाद उन सबको वापस बांग्लादेश भेजेगी। दूसरी तरफ मोदी जी खुद को बांग्लादेशी की आजादी का सिपाही बताते हैं और बांग्लादेशियों को भाई बंधु। ये सबूत है कि इस बात का कि मोदी जी के लिए देश और देशभक्ति सिर्फ वही है जिससे वोट मिल सके, उनके लिए कोई अछूता नहीं है। दूसरे मैच में भारत को मिली हार की सहवाग ने बताई वजह। पुणे के एमसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हराया। जॉनी बेयरस्टो और बेन स्टोक्स के आगे भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से बेबस नजर आए, जिसको लेकर भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने टीम की हार के लिए गेंदबाजों को जिम्मेदार नहीं माना है। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया के बल्लेबाज इंग्लिश स्पिनरों के खिलाफ अटैक करने में नाकाम रहे, जिसके चलते टीम को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाजों को
उनके पूरे ओवर डालने दिए और उनके खिलाफ वो आक्रामक रुख नहीं अपनाया जो इसकी जरूरत थी। फेसबुक ने खास अंदाज में किया होली विश। होली के त्यौहार की शुरुआत हो गई है। होली के त्यौहार से पहले ही फेसबुक ने खास अंदाज में अपने यूजर को होली की शुभकामनाएं दी है, जिसके तहत फेसबुक ने अपने यूजर के लिए होली थीम वाले अवतार लॉन्च किए हैं। फेसबुक यूजर अपने स्मार्टफोन ऐप से होली थीम वाले अवतार बना सकते हैं। ये अवतार फेसबुक ऐप के जरिए और मैसेंजर ऐप से भी बनाए जा सकते हैं। आप दोनों में से किसी भी ऐप के कॉमेंट कम्पोजर से ऐसा कर सकते हैं। फेसबुक ने बताया कि भारत में 4 मिलियन से अधिक लोग हैं जिन्होंने पिछले 2 हफ्ते में होली के बारे में 6.6 मिलियन से अधिक पोस्ट और कॉमेंट्स किए हैं। पटना में मेट्रो निर्माण के काम में आई तेजी। राजधानी पटना में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए फ्लाईओवर का लगभग जाल बच चुका है। इसके बावजूद सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होता नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके बाद अब आने वाले समय में पटना के ट्रैफिक में और बदलाव होने जा रहा है। इसको लेकर ही पटना मेट्रो का काम शुरू कर दिया गया है। पटना के सगुना मोड़ में इसकी शुरुआत हो चुकी है और काम तेज गति से हो रहा है। पटना मेट्रो रेल परियोजना पर 13,365 करोड़ से अधिक का बजट पास किया गया है। परियोजना के तहत 20% बिहार सरकार, 20% केंद्र और बाकी 60% जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी से भी कर्ज लिया जाएगा। पटना मेट्रो पर तेजी से काम के लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का भी गठन हुआ है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है बिक्कू कुमार, मंडानी यादव, गुड्डू कुमार, रमेश यादव, अमित बाबू, प्रिया रंजन, रूपेश कुमार, अरविंद कुमार मंडल, उजाला चौधरी, आदर्श कुमार, ओमकार सिंह, दीप्ति कुमारी, राहुल कुमार, वीरेंद्र कुमार, खुर्शीद अंसारी, जितेंद्र कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे आज आखिरी वनडे मैच में किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।